तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल के ईयरफोन्स के बारे में। कौन कौन से ईयरफोन्स के ऑफ़र चल रहे हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये अमेज़न का लैंडिंग पेज है जिसमें कि हमें ऑफ़र्स दिखा रहे हैं। ऑफ़र्स की बात करें तो हमारे को बेस्ट बेस्ट ऑफ़र किस में मिल रहे हैं। जो बेस्ट ऑफ़र्स हैं वो है बोट के ईयरफोन्स के तरफ से, JBL के ईयरफोन के तरफ से, उसके अलावा स्नाइशर के ईयरफोन्स के तरफ से, साथ ही साथ क्रॉस बीट्स वगैरह पॉपुलर ईयरफोन्स हैं उनके तरफ से मिल रहे हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे को मिल तो सब रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे को बेस्ट कौन सा है। जैसे कि हम ये पेज पे हम लोग क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ईयरफोन्स हमारे को किस प्राइस में मिल रहे हैं। आज से अमेज़न प्राइम मेम्बर के लिए ओपन हो चुकी है और अमेज़न प्राइम मेम्बर को पहले एक्सेस मिल रही है। मैं आपको बता दूँ इन सब में परचेस करने के लिए कौन कौन से बेटर ऑप्शन हैं। अगर आप ब्लूटूथ परचेस सोच रहे हैं परचेस करने के लिए, तो आपके लिए बोट का और मीवी का, ये दो आप ऑप्शंस देख सकते हैं। बोट के ईयरफोन्स में आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलती है। तो हम चलेंगे कौन कौन से टॉप बेस्ट ईयरफोन्स है उसके ऊपर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, कार्ट पे हैं, मैंने अपने बेस्ट बेस्ट ईयरफोन्स को ऐड करके रखा है ताकि आपको मैं जल्दी से दिखा सकूँ। ये बोट का ईयरफोन्स जो है काफ़ी लो प्राइस पर मिल रहा है। मैं ऑलरेडी परचेस कर चुका हूँ इसको 2 जुलाई को। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली, और मैं ये 6 मंथ से ऊपर यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है एयरफोन। इसमें बेस अच्छी है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, साथ ही साथ 8 आवर्स का बैकअप मिलता है। मैंने जब परचेस किया था तब 1500 प्राइस थी इसकी। अभी इसकी प्राइस बहुत लोएस्ट है, विश्वास कीजिए 900 रुपया में आपको मिल रही है। साथ ही साथ आपको कुछ कैशबैक्स भी मिल जाएंगे चेकआउट पेज के ऊपर, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अगर आप ब्लूटूथ हेडफोन परचेस करने के लिए सोच रहे हैं। ये बेस्ट ईयरफोन है जिसको कि आप इस प्राइस पे परचेस करेंगे तो आपको वैल्यू फॉर मनी मिलेगी। ये काफ़ी स्ट्रांग है, साथ ही मैं रफ़ यूज़ करता हूँ तो भी मैं 6 मंथ से इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा कैशबैक्स वगैरह की भी ऑप्शंस मिलेंगी। इसका नॉर्मल जो प्राइस है आप देख सकते हैं 1500 है, ये अभी 900 में मिल रही है। आज प्राइम मेम्बर वालों के लिए है, कल से नॉर्मल यूज़र के लिए भी ये ओपन हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग दूसरा जो ईयरफोन देख सकते हैं इसी प्राइस रेंज में, वो है मीवी का। इन केस अगर आप बोट का परचेज नहीं करना चाहते हैं तो आप मीवी का एक बार देख सकते हैं ब्लूटूथ का। इन केस आप अदर ईयरफोन्स देखना चाहते हैं जो कि वायर ईयरफोन्स है, उसमें आप अलग अलग प्राइस रेंज में देख सकते हैं। अगर आपका बजट विद इन 500 है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बोट का 225 एडिशन को देखें। नॉर्मली ये बोट का 225 का जो है ये 600 के प्राइस में आता है, अभी फ़िलहाल ये 500 के प्राइस में मिल रहा है। जैसा मैं आपको नीचे दिखा दूँ, रेगुलर प्राइस 600 है, अभी ये 500 में मिल रहा है। आप अगर ऑफ़र कलेक्ट किए हुए होंगे जो अमेज़न का सितंबर में ऑफ़र होगा, तो चेकआउट पेज पे आपको 200 रुपीज़ तक का कैशबैक मिल सकता है और ज़्यादा भी मिल सकता है अगर आपने ऑफ़र्स कलेक्ट करके रखे होंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपका बजट विद इन 500 है तो आप इसको डेफिनेटली परचेस करें। ये बेस्ट है, सुटेबल है और इसमें बेस क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा चलेंगे दूसरी तरफ, अगर आप 500 से ऊपर दूसरा ब्रांड का देख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा विद इन 600 आप परचेस करना चाहते हैं तो JBL का आप ये वाला परचेस कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। ये 550 का है अभी और इसका रेगुलर प्राइस जो है 700 रुपीज़ होती है, तो आप इसको भी एक बार देख सकते हैं। साउंड क्वालिटी JBL की अच्छी रहती है और इसमें बेस आप बोट की तरह नहीं मिलेगी, लेकिन आपको क्लैरिटी मिलेगी। एक ब्लूटूथ ईयरफोन मैं बताना भूल गया, आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप साउंड के शौकीन हैं और डेली का 1 आवर आप म्यूज़िक लवर हैं जो अच्छे म्यूज़िक को सुनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। ये थिएटर साउंड के जैसा आपको इसमें आउटपुट मिलता है और ये काफ़ी रफ़ यूज़ करने पर भी लॉन्ग यूज़ होगा। मैं इसको पर्सनली लगभग 2017 से आप देख सकते हैं मैंने परचेस किया था और ये अभी भी है मेरे पास, जो कि मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ पबजी खेलने में, जिसमें कि साउंड क्वालिटी मेरे को अच्छी मिलती है। इसका नॉर्मल प्राइस भी 1500 है, आप एक बार इसको भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आगे चलेंगे हम लोग तो दूसरा हम लोग हेडफोन देख सकते हैं JBL का ही। ये JBL का है ईयरफोन, ये 649 में है। इसकी भी साउंड क्वालिटी अच्छी है और आप इसको भी एक बार कंसिडर कर सकते हैं। इसकी रेगुलर प्राइस 800 रुपीज़ है। आगे अगर देखेंगे हम लोग दोस्तों, तो जो सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ हेडफोन्स में आती है वो है श्नाइसर कंपनी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप 500 में देखना चाहते हैं तो बोट आप देख सकते हैं। अगर आप एक हैवी यूज़र हैं जो कि आप रफ़ यूज करते हैं हेडफोन का, तो आप बोट परचेस कर सकते हैं। अगर आप
नॉर्मल यूज़र हैं, ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं करते हैं, तो ये आपको बोट से भी अच्छा ऑफ़र है स्नीशर का। ये फर्स्ट टाइम 500 का प्राइस में मैं देख रहा हूँ। इसके साथ ही आप देख सकते हैं नीचे में रेगुलर प्राइसिंग इसकी 849 है। ये मैं आज तक इसको 700 से नीचे प्राइस होते नहीं देखा हूँ। ये फ़िलहाल आपको मिल रहा है 500 रुपीज़ में। इसके साथ ही अगर आपके पास कैशबैक के कुछ ऑफ़र्स आपने कलेक्ट करके रखे होंगे तो आप चेकआउट पेज पे एक बार देख सकते हैं, वहाँ आपको शो करेगा 200 to 250 रुपीज़ तक आपको एडिशनल कैशबैक भी मिल जाएंगे। मतलब नॉर्मली ये 250 रुपीज़ में भी आपको पड़ सकता है हेडफोन। ये वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन है क्योंकि स्नाइसर बहुत पॉपुलर है अपने ईयरफोन्स के लिए। स्नाइसर का ही आगे बात करें तो आप अगर साउंड लवर हैं, बेस्ट ईयरफोन में से देख रहे हैं, तो आपको ये ईयरफोन भी एक बार देखना चाहिए। रेटिंग्स को आप देख सकते हैं ऊपर में कितनी रेटिंग मिली हुई है, मोर देन 4 स्टार की रेटिंग है और ये 1100 में मिल रही है। इसकी नॉर्मल प्राइस जो है ऑलमोस्ट 1750 है। साथ ही अगर आप ब्लूटूथ अच्छी क्वालिटी का देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये स्नाइसर का ईयरफोन देखें। ये अभी 5000 में मिल रही है। अगर आपका बजट अच्छा है, 5000 में आप परचेस कर सकते हैं, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। ये नॉर्मली 7275 में मिलती है, इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा क्या है, फाइनल वर्डिक्ट यही है कि अगर आप ब्लूटूथ हेडफोन देख रहे हैं तो आप ये 900 रुपीज़ में बोट का 255 को देखें। अगर आपको बड़ा साउंड क्वालिटी अच्छा चाहिए, ब्लूटूथ में चाहिए, तो आप बोट रॉकर्स 400 लीजिए। इन केस आपका बजट टाइट है, 500 रुपीज़ में लेना चाहते हैं और आपको लेने हैं विद इन 500, तो आप हैवी यूज़र हैं, रफ़ यूज़र हैं, तो ये बोट का बेस हेड परचेज़ कीजिए। इन केस आप नॉर्मल यूज़र हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा स्नाइचर का आप यूज़ कीजिए, CX180। बाकी आप रिव्यू देख करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप JBL का भी परचेस कर सकते हैं 549 में। फ़िलहाल के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।